नगर जो है एक पोरेस का जमीन पड़ता है, वो भी 400 स्क्वायर किलोमीटर का। जो 400 स्क्वायर किलोमीटर में से हमें कैपिटल के लिए बहुत कम जगह दिया, वो एक है 11 स्क्वायर किलोमीटर का है ईटानगर में नया कैपिटल के लिए, और नाहरलगन में 2 स्क्वायर किलोमीटर का हमको दिया गया था। उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकर का क्या विचार था पता नहीं है। अभी मोर देन 30 ईयर्स हो गया है, तो अभी आप पता चला है कि हम 400 स्क्वायर किलोमीटर में इनक्रोच करके बैठा है। तो सवाल अभी हमें पूछा जाता है, लेकिन जबकि हम सवाल पूछने वालों में है, ये हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक PCCF जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईटानगर का देखभाल करता है, और PCCF फॉरेस्ट जो है दुर्पंग रिजर्व फॉरेस्ट को देखता है, 2011 में एक चिट्ठी लिखता है कि DC को ईटानगर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या ईटानगर दुर्पंग रिजर्व फॉरेस्ट है, दोनों जगह में DC ऑफिस जो है LPC या अलॉटमेंट नहीं देना चाहिए। तो 2011 से लेके अभी 2020 तक लगातार DC ऑफिस भी फॉरेस्ट का जमीन में ही LPC और अलॉटमेंट देते गया, जी जिसका कारण से लोग जो है वहाँ बसने लग गया और जानवर भी गायब हो गया, फॉरेस्ट भी गायब हो गया। मैंने इसलिए उस दिन भी एक फॉरेस्ट का कॉन्फ्रेंस में मैंने एक गीत गा दिया था कि मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया, मतलब उन लोगों को बोला है कि आप अपना जीवन में, सरकार जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक मेजर डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑल इंडिया सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ऑल इंडिया तीन सर्विस होता है, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, एक इंडियन पुलिस सर्विस है, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को एक मेजर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यह बनाया गया है कि प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट यही के लिए। तो अभी आप देखेगा कि बंदरदवा से जो निर्जुली आता है, 1986 में हम जो क्लास 10 पास करके यहाँ पढ़ाई करने आया, तो उस समय में इतना जंगल था जहाँ हाथी इतना निकलता था, धरना पड़ता था, अभी तो वहाँ पे जंगल ही गायब हो गया। उसका बात अभी आप देखो, ये यहाँ पे ईटानगर का जो अभी पप्पू नाला एरिया है वहाँ में भी इतना जंगल था, जो निभा हॉस्पिटल का ऑपोजिट बगरा में इतना बड़ा बड़ा घास था, गायब हो गया। अभी जो तेल एक दारू का दुकान, दारू का एक फैक्ट्री खुला है पप्पू नाला में, अब वहाँ में देखिए इतना बड़ा बड़ा घास था, वो भी गायब हो गया। तो मैंने अपना उस स्पीच में उन लोगों से सवाल किया है कि आप लोग, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना स्टाफ है, किस लिए इसको हम सरकार जो है सैलरी देता है, और ये सैलरी का पैसा पब्लिक का पैसा होता है, आपको बनाया गया है कि ये फॉरेस्ट का जो कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन इसका जो भी फॉरेस्ट का उसको पब्लिक के लिए यूटिलाइजेशन के लिए दिया गया, आप काम किया है कि नहीं? काम किया है तो आज क्यों जंगल खत्म हो गया? अभी आप जाइए निर्जुली में, निरुपजुली नदी है, उसका कोलमा नदी है, सूख गया, पानी ही बंद हो गया। उसका बाद अभी आप देखिए चिंपू का जो हमारा अभी नदी है, जितना अभी दरिया हिल का नदी है जो सब अभी सूख रहा है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मेरा यही देखा गया कि मेरा तरफ से तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नेग्लिजेंस का कारण से उनका ड्यूटी नहीं करने का वजह से आज सारा जंगल खत्म हो गया। आज लोग हमें गाली देता है, मुझे दिन में 2-3 व्हाट्सएप आता है, रात को व्हाट्सएप आता है, कहाँ में
मिट्टी कतरा है, और यहाँ जो है जो मिट्टी कतरा है जितना जमीन 90% जो है पोरेस का जमीन है। जो कुछ बचा कुचा है वो जमीन जो है हाईवे का है, नहीं होने से पीडब्ल्यूडी का है। अभी पूरे देर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन, या रोड का जो मालिक है हर समय में डीसी को ही गाली देता है, लैंडस्लाइड होता है, लोग मरता है, सड़क बंद होता है बारिश का दिन में, गाली तो डीसी को देता है। लेकिन क्या ये लोग को काम नहीं करना है कि मैं ये लिखते रहना पड़ता है पुलिस को कि आपका जमीन में लोग जो है इलीगल अर्थ कटिंग कर रहा है, जिसका वजह से हमारा जो नदी नाला में जो जानवर एक्वाटिक जो जानवर लोग रहता है वो मर रहा है। आपने देखा होगा कि बारिश का दिन में ये जो हमारा ये 6 किलो का नीचे में एक मोदी रिजो का नाम होता है, उसका बाद वहाँ से नाला जो जा जाके होलो पप्पू नाला होता है, लास्ट ईयर कितना आदमी लोगों का प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, 100 करोड़ लाइफ लॉस हो गया, उसका कुछ वैल्यू समझता है? हम मीडिया वालों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करो ना, ताकि लोग समझे कि हमको कोज ऑफ द एक्शन ढूंढना होता है, कहां से गलती हो के हम सफर कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट में हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट जो है यही काम करता है कि कोई घर गिर गया उसको लेके स्कूल में पहुंचाओ, चावल पहुंचाओ, ये घर टूट गया 3500 से कुछ होता है। हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो कानून बनाया वो तो बनाने वाला का मुताबिक घर में मैं और मेरा तीन ना, मतलब है कि बीवी और दो बच्चा, हमारा ट्राइबल एरिया में कितना होता है दोस्त फैमिली एक साथ में बैठता है, रिलेटिव्स का रिलेटिव्स घर में बेचता है, 3800 से उनका ओ, दिन दो दिन चलेगा, किसी का घर चला गया। कहने का मतलब है कि ये अर्थ कटिंग का वजह से होता है। बार बार मैं ये बोला ये अर्थ कटिंग का वजह से लोगों का लाइफ प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, मर गया। तो ये जो 90% जमीन कहां में हो रहा है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या द्रुपंग रिजर्व फॉरेस्ट में हो रहा है, नेक्स्ट में हो रहा है हाईवे का उधर आसपास में अर्थ कटिंग हो रहा है, सामने में नहीं होने से भी थोड़ा ऊपर में तो कटिंग चल रहा है ना, तो हाईवे वाला क्यों नहीं बोलता है कि उस कटिंग का वजह से मेरा रास्ता खराब होगा? किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। ये जो हम लोग हर साल में रास्ता खराब होता है, हर साल में घर गिरता है, घर मरता है, आदमी मरता है, क्या इसका? तो मैं इसी बीच में हमने एक बार सोचा कि डेवलपमेंट तो चलना है, लोगों को घर चाहिए, घर चाहिए तो जमीन डेवलप करना है, ये भी तो जरूरी चीज हो गया। क्योंकि आपने मैंने इसलिए पीसी सेफ को भी एक बातचीत किया कि आप 1 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रोच करता है तो चलो हम मानता है, 400 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रोच हो गया, आप क्या बात करेंगे इसको? आपका यहां में DFO रैंक का है, रेंज ऑफिसर कितना है, हाउ पुलिस गार्ड कितना है? मैं एक एग्जांपल लास्ट वीक में एक ये फूड पार्क का इनोग्रेशन के लिए प्रोग्राम रखा, तो मुझे एक लेटर मिला था कि ऑनरेबल DCM जो विजिट कर रहा है, तो विजिट कर रहा है तो ठीक है, तो लेकिन बाद में पता चला कि उसमें इनोग्रेशन का प्रोग्राम है, जबकि ये जो एक सब जुडिशियस मैटर है, केस चल रहा है हाई कोर्ट में, तो उसमें हमने DFO को रिंग करता है, आप जाके बात कीजिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि ये फॉरेस्ट एरिया है,
तो पुलिस एरिया में कैसे बिल्डिंग बनेगा, सड़क बनेगा, इनोग्रेशन होगा, इतना कॉल किया, रिसीव ही नहीं करता है। फिर मैंने एसीएफ को फोन किया, देखो आप इसको पता है आप क्या कर रहे हैं, कहाँ में हम आ नहीं सकता है। मैंने पुलिस गार्ड को फोन किया, रेंजर साहब को फोन किया, वो बोलता है कि कही है। तो यहाँ का जो रवैया जो है, जो फॉरेस्ट का मालिक है, जहाँ में हाईवे सड़क बन रहे ना, उसमें वो हमारा जेसीबी और ये गाड़ी का आगे में सो जाता है, जो कि वो हाईवे जो है इतना इम्पोर्टेंट रोड होता है, स्कीम होता है। लेकिन जहाँ में कोई एक सड़क कहीं एक जगह में बन रहा है, उसको पूछता नहीं है कहाँ में आर्ट कटिंग हो रहा है। अभी देखिए, अपने जोलंग रोड गया है, ईटानगर जोलंग रोड पप्पू नाला निकलता है, आप हर साल में वो रास्ता में आपको सड़क खराब होता है, किसका कारण से आपको मालूम है, आप सभी को मालूम है जो भी सुनता है, वो तो अर्थ कटिंग का वजह से होता है। पगा तरक एरिया में ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो हमें वीडियो भी भेजता है कि देखो आप लोग देखिए। तो हमारा आदमी जो है तभी भी क्या किया है, हमने कुम नहीं बोलने से भी 100-200 आदमी को अरेस्ट किया। लेकिन हम किस कौन से कानून में करता है, सीआरपीसी का अंदर में करता है, बेलेबल ऑफेंस हो जाता है, वो एक घंटा का बात निकाल के फिर वो रात को लगा देता है। आप रात को सुनो, ये जेसीबी और दो इनू का आवाज़ सुनाई देगा हर जगह में, रात भर कटता है, एक घंटा में पूरा पहाड़ खत्म कर देता है। तो हम ये ऑर्डर इसलिए बनाया कि बीच में हम सोचा है कि नहीं, डेवलपमेंट भी चलना चाहिए लोगों का, जिसको एलोटमेंट है, जिसका एलपीसी है, उन लोगों को घर भी बनना चाहिए, कैपिटल है। तो उस हिसाब से हमने ये एनओसी, सॉरी ये मैंने अपना डीसी एडीसी का चेयरमैनशिप में कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया, जहाँ पे इंजीनियर लोग भी है, रोड का मालिक है, तो रोड का मालिक लोग को भी डाला, सब डाला। फिर एनओसी मिलने का बाद परमिशन दिया, तो अभी कुछ दिन का बाद देखा है तो परमिशन दिया वाला इतना जोरदार से और बहुत बड़ा जगह को कट रहा है। तो इसलिए हमने सोचा है कि ओवरऑल में डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हमारा रोड का डैमेज के लिए, नाला नदी नाला का डैमेज के लिए, किसी का जमीन जायदाद लाइफ का डैमेज का कॉस्ट में नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए हमने अभी आर्ट कटिंग के लिए ईटानगर में, आप जब ऊपर से देखेगा ना, पता चलेगा कि पूरा पहाड़ी खत्म कर दिया। तो हम जब एडीएम में था तो काफ़ी हमने रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन जब से यह डीसी ऑफिस में आया, यहाँ तो 1000 काम होता है, डेवलपमेंट काम होता है, तो इसलिए थोड़ा से हमने एडीसी को चेयरमैन बना के दिया। तो अभी लोग थोड़ा से ज़्यादा ही कटने लग गया, तो कारण देखा है कि वो पोरे से एनओसी नहीं लिया। तो हमने अभी इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप पोरे से एनओसी लीजिए, और बहुत से लोग हमें शिकायत करता है कि पोरेस का जो एनओसी लेने के लिए पैसा लेता है। मैंने पीसीसीएफ को भी बोल दिया कि जो जो पैसा मांगता है एनओसी के लिए, वो पीसीसीएफ को बताना है। तो पीसीसीएफ ने हमको एश्योर किया है कि जो पोरेस से जो एनओसी के लिए पैसा जो मांगता है, वो उसको रिपोर्ट कंप्लेन देना है, ताकि वो उसको एक्शन ले सकता है। तो इस चैनल का माध्यम से मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें कि कोई भी आदमी, चाहे वो मेरा लेन का जो स्टाफ हो या मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो स्टाफ हो, मैंने पीसीसीएफ से बात कर लिया, और लेन का तो मेरा अंदर में है, तो कोई भी पैसा मांगता है, और कोई भी अगर 7 दिन से ज़्यादा वो कागज़ को वो रखता है, एक चीज़ है मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको नहीं देना है रिजेक्ट करो, और देना ही तो दे दो, और एक रीजनेबल टाइम एक तो दो कि आप वो 100 आदमी हैं, चलो आप आज 10 को करेगा, कल 10 को करेगा, ऐसे करके आप एक टाइम देके, टाइम फ्रेम देके
लोगों को बता दो कि उस तारीख को हम आएगा, तो उस हिसाब से ये समय को फिक्स करके सभी का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हमें ही शिकायत मिलता है, इसलिए मैंने अपना लेन का स्टाफ को तो बोल दिया और पीसीसीएफ को मैंने शिकायत कर दिया कि ये जो आपका जो है पैसा मांगता है वो आप एक्शन लेना है। तो लोग से रिक्वेस्ट है कि किसी को अगर ऐसे पैसा मांगता है या लेट करता है अननेसेसरी, तो आप पीसीसीएफ को एक कंप्लेन दे दीजिए, एक कॉपी हमको दे दीजिए, ताकि हम भी फिर से हमारा साइड से भी हम पीसीसीएफ को भेज देगा कौन से ऑफिसर जो है पैसा मांगता है या, और लेन वाला को हमको डायरेक्ट शिकायत करना है कि वो लेट कर रहा, लेन हमको देना है। तो ये है कि आज का जो एनओसी है बेसिकली वही है कि रोड का जो मालिक है उनसे एनओसी लेने के लिए हमने बोला, फिर पोरे से लेने के लिए बोला। रोड में एक हाईवे होगा और एक तो जो सेक्टर रोड में जो भी होगा, क्योंकि वो रोड जो मिट्टी कटिंग करता है तो रोड में डैमेज होता है, और दूसरा है कि जो जहाँ में रोड कटिंग चल रहा है उसका नदी नाला नीचे में जो लोग हैं वो भी हमको शिकायत दे सकता है कि वो मिट्टी कटिंग जो है मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। और जिसको परमिशन दे रहा है उनसे पर स्क्वायर मीटर में गवर्नमेंट अप्रूव रेट करके या सिक्योरिटी डिपॉजिट करके रखा है, तो जिस समय किसी का डैमेज होता है वो क्लेम कर सकता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है पर स्क्वायर मीटर में कुछ रेट है दिया हुआ है, वो लोग यहाँ में जो भी अभी तक अर्थ कटिंग किया है उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका आसपास में जो बैठता है या बहुत नीचे तक बैठता है तो उसी का मिट्टी से जाके कोई डैमेज होता है, ये पैसा अभी हम जो सिक्योरिटी रख के है इसी से वो भरपाई हो सकता है। हो सकता है कम होगा, लेकिन हम गवर्नमेंट जो है कमाई करने के लिए नहीं बैठता है ना, वो हम एक टोकन मनी रखा है जिसको परमिशन दिया है। सख्त करने के लिए पोरेस लॉ में है, इसलिए मैंने पोरेस डिपार्टमेंट को अभी आपका आप तो इसलिए ये सवाल आप पूछेगा बोल के इसलिए हमने बहुत लंबा भाषण दिया कि ये जो है आपका पोरेस डिपार्टमेंट का पास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसका अंदर में प्रोविजन्स है, बहुत बड़ा केस बनेगा। और आपको पोरेस एक्ट कंजर्वेशन एक्ट का अंदर में भी प्रोविजन्स है, उसमें क्या होता है पुलिस लोग प्रोसिक्यूशन में नहीं जाता है, ये पोरेस डिपार्टमेंट खुद जाता है, तो इसलिए वो इजी होगा। हमारा सीआरपीसी में क्या करता है कि हम एक 133 सीआरपीसी में हम ये इन्वोक करता है तो आर्ट कटिंग मौत करो, जो वायलेट करता है उसको हम अरेस्ट करता है। तो अरेस्ट करने का बाद क्या होता है, ये अवेलेबल ऑफेंस होता है, तो थाना में थोड़ा देर बैठेगा और उसका बाद निकल जाएगा। तो इसको कोर्ट में जब जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीना का होता है सजा, लेकिन सजा नहीं हो पाता है क्योंकि उसको लास्ट में जाके वो प्रोसिक्यूशन में इतना स्ट्रोंग नहीं होता है, तो इसलिए हम तो अरेस्ट तो करता है और उसका जेसीबी वगैरह को हम सीज करता है, तो इसलिए इतना असर नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट इस चैनल में कोई पुलिस ऑफिसर लोग देख रहा है, अगर थोड़ा से भी आपका पास सेंस ऑफ ड्यूटी सिंसेरिटी एंड लॉयल्टी है, प्लीज़ ईटानगर का जितना भी आपका ज़मीन है इस ज़मीन में जो भी इलीगल आर्ट कटिंग कर रहा है उसको आप लोग अरेस्ट कीजिए, एक्शन लीजिए। इसको तो लेके हम भी बहुत चिंतित है, मैंने सरकार को भी चिट्ठी लिखा एक जॉइंट मीटिंग के लिए, क्योंकि जैसे जैसे बारिश का समय आ रहा है मेरा भी प्रेशर उठते जा रहा है। तो पैकेज सी तो बहुत ही अच्छा से चल रहा है, होपफुली पैकेज सी का सिर्फ वहाँ में जो बायाडक्ट होता है ना उसका लेफ्ट एंड राइट एंड का कुछ पोर्शन जो है A1 A2 बोलता है वहाँ पे कुछ कोर्ट में केस गया है कॉम्पेंसेशन के लिए, तो वो एक पोरेस लैंड होता है। तो हमने बोला कि पोरेस आप बोलो, आपका ज़मीन है तो आप बोलो, पोरेस भी जवाब नहीं देता है। उसका बाद पब्लिक को बोला है तुम पोरेस से NOC लेके आओ, तो ना पोरेस से NOC नहीं लेके हाई कोर्ट में गया हुआ है, मैंने अपना जवाब दे दिया है और जैसे ही वेकेट करता है तो मैं वो पार तो हो जाएगा, लेकिन वो बयादक का काफ़ी काम बाकी है जो ब्रिज है करसिंगसा और निर्जुली का बीच वाला,
तो बांदरदो से करसिंग सा का आप लोग भी देखा होगा, काम बहुत स्पीड है, उन लोग का मार्च तक हमको देगा बोला। और पैकेज बी में तोरा से ये है कि वो जितना भी ड्रेन देख रहा होगा, ड्रेन और कलबर्ट वो जैसे ही कंप्लीट होता है, उन लोग बोला है कि ये कारपेटिंग हो जाएगा। तो कारपेटिंग तो हमको मार्च तक देगा बोला है, अभी तो ये जनवरी है, फेब्रुआरी मार्च 3 महीना तो है, और ये टाइम नहीं लगता है कारपेटिंग जो है। तो 6-7 किलोमीटर का जो है वो आराम से हो जाना चाहिए। और पैकेज बी को मैंने काफ़ी बोल रहा है, बोला है कि जितना जल्दी हो सकने से ठीक है। तो ऑन रेगुलर बेसिस में मैं तो साइट में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, और उन लोग से भी संपर्क में है, और सप्ताह में 1-2 बार तो मिलता है, और मीटिंग भी, जॉइंट मीटिंग भी हम रखता है। मेरा तरफ से वही है कि हमसे क्या मदद चाहिए, बोलिए हम मदद करेगा।